अस्सलामुअलैकुम, रीना सी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टैकोज। तो इसके टैकोज बनाने के लिए जो आटा अपने को डो चाहिए उसके लिए मैं ये मैंने लिया है, एक कप मैदा लिया है, एक कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसके जगह पे पूरा मैदा भी ले सकते हो, पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हो। उसके साथ ही हम अभी ये इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, गेहूँ के मैदे के आटे में गेहूँ का आटा मिक्स कर लेंगे। इसे हम छान कर ले लेंगे, मैंने छान कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, ये हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और ये 1/4 टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। ये पूरी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे पहले पूरा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पानी डालकर हम इसे आटा गूंदेंगे। इसमें अगर आप दूध डाल देंगे तो ये झटपट खाना होगा आपको। ये मैंने पानी डाल दिया, अब हम इसका डो बना लेंगे। ये देखो आटा गूंद लिया मैंने। इसके जगह पे आप है ना मकई का आटा भी ले सकते हो, गेहूँ या पूरा गेहूँ ले लो, पूरा मैदा ले लो, या आधा गेहूँ आधा मैदा जैसा मैंने लिया है वैसा ले लो, या आपके पास मकई का आटा होगा तो आप मकई के आटे से भी बना सकते हो ये। और मैंने ये कैसे ये अगर आप ना बना कर 2 दिन के लिए भी रख सकते हो, अगर दूध इसके अंदर डाल देंगे तो आपको ये झटपट बनाना होगा और ख़त्म करना होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा तेल डाल देंगे। आप इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हो। ये देखो ये हो गया। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। अब हमें स्टफिंग बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है ये 1/2 कप प्याज ली। आप जो भी कटोरी लेंगे, जो कप ले लेंगे, हर चीज उसी से ही मेजर करना है। ये 1/2 कप प्याज मैंने कट करके ली है छोटी छोटी। ये मैंने एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने कट किया है। ये मैंने लिया है 1/2 कप शिमला मिर्च ली हूँ। मान लो अगर कप से आप नहीं करेंगे, 2 शिमला मिर्च बारीक बारीक छोटे छोटे ऐसे कट कर लेंगे तो भी चलेगा। ये लिया है मैंने पत्ता गोभी 1/3 कप लिया है, इसको भी मैंने कट किया है और धो ये हर ये और शिमला मिर्च मैंने धो कर रखी है। और ये मैंने लिया है 1/2 कप पनीर, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। ये देख लो छोटे छोटे इससे। और साथ में ये लिया है मैंने, ये नमक लिया है स्वाद अनुसार। ये रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो। ये आमचूर पाउडर है 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हो, नींबू का जूस। ये काली मिर्च पाउडर ली है 1/4 टीस्पून। ये चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। और ये लिया है मैंने 1/4 टीस्पून गर्म मसाला लिया है। कढ़ाई मैंने रखी है, गैस ऑन किया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। आपको जो भी सब्जियां डालनी है ना वो आप डाल सकते हो। अब हम डाल देंगे ये शिमला मिर्च। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये पत्ता गोभी डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम ये पनीर डाल देंगे।
जो हमने ये मसाले लिए हुए, ये नमक, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, ये पूरा इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक छोड़ देंगे। इसे ये देखो, ये बन गए हमारी स्टफिंग। इसको छोड़ देना मतलब इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा। इसे ऐसे ही चलाते हुए रखना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम बनाते हैं टैकोस। ये देखो हमारा डो कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, इस पे थोड़ा आटा डाल देंगे और इसे हम बेल लेंगे। ये देखो ये मैंने पूरा बेल लिया। अब हम इसे, आपके पास कोई भी कटर हो या छोटी ऐसी कटोरी हो, जितना आपको साइज चाहिए उतने साइज के आप ये कट कर सकते हो। ये देखो आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज का आप ले सकते हो। अब हम ये अपने आटे में डाल देंगे, ये ऐसे हम बना कर ले लेंगे। और एक मैं ऐसे भी बताती हूँ, अगर आपको ऐसे छोटी छोटी लेकर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे छोटी ले लिए, थोड़ा आटे में डाल दिया उसको। जितने आपको साइज चाहिए उतनी आप बड़ी भी कर सकते हो, छोटी भी साइज में ले सकते हो। ये देखो ये ऐसे अब हम पूरे बना कर ले लेते हैं। ये देखो ये बन गए हमारे। जितना हमने डो किया था उसमें हमारे 20 से 25 टैकोस हो सकते हैं। ये मैंने देखो, ये मैंने 11 बना दिए, ये मैंने आटा मेरा बच गया। अब मैं इसे बाद में बना दूंगी। ये मैं अभी एयर टाइट डब्बे में या किसी में भी रख कर अच्छे से इसे फ्रीज में रख दूंगी। यार इसीलिए मैंने बताया था कि इसको पानी से गूंद लेना, ताकि हम इसे ढक फ्रीज में रख सकते हैं, बाद में हम कभी बना सकते हैं इससे, ये ख़राब नहीं होता। अब हम एक ले लेंगे ये, इसे हमें सेकना है थोड़ा। मैंने ये तवा रखा है, इस पर हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसे ये सेक लेंगे थोड़ा। हम एक साथ दो दो भी कर सकते हैं। ये देखो इसे हम थोड़ा सेक लेंगे। अब हम इसे निकालेंगे, इसे हम ये पूरे कर लेंगे। ये देखो ये हमारे बनकर रेडी हो गए। अब मैं बताती हूँ क्या चाहिए। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है, 2 टेबलस्पून केचप लिया है। इसके जगह पे आप कोई भी एक भी ले सकते हो या मिक्स करके भी ले सकते हो। या अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखो ये हो गया हमारा मिक्स। अगर बच्चों को देना होगा तो आप रात में ये पूरा सब्जियां काट कर रखो,
आटा गूंद कर रखो, सुबह सुबह फिर सब्जी बना लो और ये पूरा रेडी है। तो फिर कुछ नहीं, जल्दी जल्दी हो जाता है। ये हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गया। अब हम मैं बताती हूँ क्या करना है। ये एक ले लेंगे हम, उस पर हम ये मेयोनीज और केचप लगा लेंगे। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इस पर शेजवान चटनी भी लगा सकते हो। ये लगा दिया, अब हम इसे इसे साइड में रख लेंगे। जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ये चीज़ डाल देंगे। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो चीज़ डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं भी डाले तो भी चलेगा। ये देखो मैंने डाल दिया। अब हम इसे इधर से थोड़ा ये फोल्ड कर लेंगे। ये देखो अब हम ऐसे ही पूरे बना लेते हैं। और एक बताती हूँ, हमने इस पर अभी मेयोनीज पूरा लगा दिए। यहाँ पे हम थोड़ा चीज़ डाल देंगे। ये स्टफिंग डाल देंगे। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस होगा तो चीज़ स्लाइस भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। दोबारा इसके ऊपर थोड़ा चीज़ डाल देंगे। इसे ऐसा ढक देंगे। ये देखो अब हम ऐसे पूरे बना लेते हैं। ये देखो ये बन गए हमारे। अब मैंने ये तवा रखा है, उस पर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा दो, घी लगा दो, बटर लगा दो, जो आपको लगाना है वो इस पर लगा सकते हो। और एक ले लिया, इस पर हम ये रख देंगे। ये वाला भी साइड में रख देंगे। इस पर भी हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल, बटर, घी, जो चाहिए वो लगा सकते हो। इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। ये बच्चों के टिफिन में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये हो गया हमारा, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखो ऐसे अब हमें पूरे बना लेती हूँ। ये देखो ये बन गए हमारे टैकोस, पनीर टैकोस। और ये मैंने मेयोनीज और केचप वाला जो हमने किया था वो वाला भी ले लिया है। अब मैं बताती हूँ कैसे लग रहा। ये मैंने एक ले लिया, ये देखो इसके अंदर पूरा पनीर। ऊपर से आप केचप भी लगा सकते हो या चीज़ भी आप ऊपर से भी लगा सकते हो। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ। देखो ये हो गया और ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप भी इसे बनाओ, बच्चों के टिफ़िन में दो। अभी तो छुट्टियां है और जब स्कूल स्टार्ट होगी तो आप ये बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं आपको, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।